दारुल उलूम अज़्ज़मते यदुल्ला सोलापुर शहर के कुमठा नाका परिसर में मुमताज नगर के करीब दारुल उलूम अज़्ज़मते यदुल्ला मदरसे का आगाज किया गया। आज सोलापुर शहर के मशहूर हस्ती मुफ्ती सैयद अमजद अली काजी और मेहमाने खुसूसी अल्लामा मौलाना शाहबाज हुसैन नूरी किबला इनकी प्रमुख उपस्थित में इस मदरसे का नए जगह पर आगाज किया है। दारुल उलूम धारा मासूम बच्चों में इल्म, दर्सी और समाजी एजुकेशन की शिक्षा से उज्जवल उत्तेजन मिलेगी। इसके अलावा कंप्यूटर्स क्लासेस और दुनियावी शिक्षा की भी आयोजन किया गया है। आज दारुल उलूम का इफ्तिदा उद्घाटन हो चुका है। इस वक्त शहर के मौजूद हजरात कार्यक्रम में उपस्थित थे। दारुल उलूम के चेयरमैन फैज अहमद ताड़पत्री, हाजी अब्दुल सत्तार शेख, हाजी महबूब हिरापुरे, जमीर भाई शेख, इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। वीडियो पूरा देखें, ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज इंडिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अव्वलन सभी देशवासियों को, सभी भाइयों को मैं योम जमहूरिया की खूब खूब मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज के ही इस योम जमहूरिया के इस नहायत बरकत वाले दिन की मुनासिबत से हज़रत उस्मान गनी माइनॉरिटी ट्रस्ट की तरफ से आज का यहाँ एक प्रोग्राम अमल में आया, क्योंकि इस ट्रस्ट की तरफ से मुसलसल कई वक्त से मैं ख़ुद इसका आईनी शाहिद हूँ, जहाँ बच्चों के लिए कंप्यूटर क्लासेस कम से कम फीस में चलाए जा रहे हैं, बच्चों को तालीमी तरगीब के लिए बहुत सारे इनामात तकसीम हो रहे हैं। 10th में, 12th में जो बच्चे कामयाब हुए उन बच्चों को भी इनामात से नवाजा गया, ताकि मुस्लिम समाज में चूंकि बच्चों की तालीम का जो रेशो है वो बहुत लिटरेसी रेट कम है, तो बच्चों को तरगीब दिलाने के लिए ये हज़रत उस्मानी गनी ट्रस्ट कई सालों से मुसलसल अनथक मेहनत कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है। उसी मुनासिबत से इस ट्रस्ट की तरफ से आज के दिन राघवेंद्र नगर में इस्माइल स्कूल की एक जगह है, उस जगह को दारुल उलूम अज़्मते यदुल्लाह के तौर पर यहाँ पे ख़रीदा गया है। और अब इस जगह की का जो तखमीना है उसकी जो लागत है, उसके लिए मैं कमेटी की तरफ से भी सभी भाइयों को ये अपील करता हूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे तर्ज से मकतब की शक्ल में अभी तक ये इदारा चल रहा था, लेकिन अब विथ हॉस्टल और खाने के इंतज़ाम के साथ ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बुनियाद तो पड़ चुकी है। और इसको आबाद करना, इसको आगे ले जाना, ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। और इस इदारे की खसूसियत ये है कि इस इदारे में आप देखेंगे तो जो बच्चे इस दारुल उलूम अज़्मते यदुल्ला में पढ़ेंगे उनके लिए असरी तालीम का भी नज़्म रखा गया है। आप देखेंगे कि कंप्यूटर क्लास भी रखी गई है और ई टीचिंग रूम भी रखा गया है और कोचिंग क्लासेस, ट्यूशन के क्लासेस, जहाँ तक हो सकता है दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम से भी बच्चों को मुज़य्यन करने के लिए, सरशार करने के लिए इस ट्रस्ट की तरफ से माशाल्लाह बड़ी अच्छी कोशिशें और काविशें की जा रही है। और मैं समझता हूँ हम जैसे लोगों की ज़िम्मेदारी है कि हम ऐसे लोगों को मज़बूत करें, ऐसे लोगों को ताउन करें, इनके बाजुओं को मज़बूत करें। लिहाजा अहल खैर हज़रात से ये मुद्दमाना गुजारिश और अपील की जाती है कि ये जो उस्मान गनी ट्रस्ट है जिसके ज़ेर अहतमाम दारुल उलूम अज़्मते यदुल्ला का क़ियाम आज अमल में आया है, इस इदारे की जगह की जो ख़रीदी है उसके लिए काफ़ी रकम जो है दरकार है। आप सभी से ये मुद्दमाना गुजारिश और अपील की जाती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस इदारे के लिए ताउन फरमाते हुए ऐसे इदारों को आबाद करें और ऐसे कौम मिल्लत की और दीन की खिदमत करने वाले लोगों के दस्त बाजू को मज़बूत करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। ऐसी मैं सभी भाइयों से गुजारिश और अपील करता हूँ और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी इन गिरा कदर और मुखलिसाना खिदमात को अपने बारगाह में शरफ़ कबूलियत नसीब फरमाए। इस इदारे को दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्कियों से अल्लाह ताला कामयाब फरमाए और जो भी इससे वाबस्तगान हैं, जो भी इससे जुड़े हुए हैं, अल्लाह उन सबको सलामती नसीब फरमाए, उनके नस्लों में, उनके कारोबार में, तमाम में बरकतें नसीब फरमाए और जो जो लोग जुड़ेंगे अल्लाह उनमें भी बरकतें नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।